गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी कंबाइन एंड हियर आई एम वैष्णवी भदौरिया। सो मैं काफी टाइम बाद आई हूँ और दो तीन दिन बाद, मतलब दो तीन दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। सो एमी वन टाई का न्यू सॉन्ग आ चुका है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं, एमी वन टाई का जो न्यू रैप सॉन्ग आया है, 21 डेज का लॉकडाउन हो रखा है। सो पता नहीं ये वीडियो उन्होंने कब बनाया था, लेकिन देखते हैं। इन्होंने ये वैसे आउटडोर ही शूटिंग की है। सो मैं तो वैसे घर के अंदर पैक हूँ। सो मैं भी यही बोलूंगी अपने कंबाइनर फैमिली से कि आप लोग भी घर के अंदर रहो। एंड दैट्स इट गाइस, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ज्ञान पत्ती नहीं झाड़ती हूँ मैं वीडियो में। जो भी ज्ञान पत्ती झाड़नी होगी वीडियो के एंड में झाड़ेंगे, स्टार्टिंग में नहीं झाड़ेंगे, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं एमी वन टाई का ये रैप सॉन्ग। एंड फुल ऑफ एनर्जेटिक रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सो इस बार देखते हैं ये इन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है कायम या नहीं, अंधेरा कायम रहे की जगह। सो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ही Yo, what is up? क्या बोलते हैं मेरे बंटा है, मालूम है? So thank you so much once again for 10 million subscribers. Thank you so much, सबको शुक्रिया। और मैंने ये म्यूजिक वीडियो इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि ये गाना मेरा बहुत जूना था। मैं ईपी का एक गाना था और उसका वीडियो तैयार था। और क्वारंटाइन में सब घर पे पक रहे होंगे, मुझे बिल्कुल पता है। किसको भी घर पे नहीं बैठना है, सबको बाहर जाना है। प्लीज पब्लिक, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने घर पे रहो। मैं गाने डालता रहूंगा, घर पे बैठ के गाने सुनो, घर पे रहो। और दूसरी बात मैं यही करूंगा, घर बैठो, मालिक से माफी मांगो। एंड जो भी इंसान ने इस दुनिया में परेशानियां क्रिएट करी है, जो भी चीज क्रिएट किया हमने, अंडरस्टैंड करो कि हमने क्या किया। ये दुनिया दुनिया सबके लिए है। हम इस कुदरत के एक पार्ट है, हम नेचर के पार्ट है। तो सबको जीने का हक है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो झाड़ हो, चाहे कुछ भी चीज हो। प्लीज सबको जीने का हक है, किसी चीज को नष्ट करने के पीछे मत दौड़ो। इंसान बनो, सही से सोचो। और अभी ऑटोमेटिक नेचर ने अपने आप एक ब्रेक दिया, तो इस ब्रेक को एक्सेप्ट करो और अपने घर पे रहो, दुआ मांगो और गॉड से प्रे करके यही प्रे करो कि हम अभी से इस नेचर का ख्याल रखेंगे, नेचर, मदर नेचर का ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में नेचर में जाके शूट किया है, ना कि झाड़ काट के सेट बनाओ, जहां पे झाड़ है वहां पे जाके शूट करो, काफी बेहतर रहेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो नेचर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। प्लीज
इस बात को दिमाग में रखो और सुधर जाओ, यह अभी वक्त है। थैंक यू सो मच, बाकी गॉड ब्लेस एवरीवन, मालिक की नजर है, सब कुछ सही असली, बाकी सब सच्ची नकली। जैसे कि असली नकली एमी विंटर का ये रैप सॉन्ग मैंने सुना, मैंने एंजॉय किया, एंड उन्होंने बताया कि ये जो मीम एंड ट्रॉल और ये बाकी जो चीजें होती है ना, ये सब नकली हैं, एमी विंटर इज ओनली असली। सो लेकिन हाँ, इसमें भी ये कोई नहीं है कि अमी वंटाए अगर बोल रहे कि तो उनका एटीट्यूड हो गया, उनका घमंड हो गया, असली असली नकली नकली क्या है यार। बहुत लोग बहुत कुछ बोल के आते हैं अमी वंटाए के ऊपर एंड जो भी हो, लेकिन वीडियो के एंड में जो इन्होंने बोला वो बहुत ही सटीक था, नपा तौला बोला है, और जो भी वर्ड्स थे वो काफी अच्छे से फिगर आउट किए इन्होंने। एंड मैं भी दिन भर जब अंदर रहती हूँ, शाम टाइम इवनिंग टाइम जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं बस यही देखती हूँ, मैं इंस्टा स्टोरीज डालती रहती हूँ। सो इंस्टा स्टोरीज और लाइव सेशन इस टाइम मेरे बहुत जा रहे हैं, सो मैं वो भी करती हूँ। एंड एक साथ मैंने सिंगिंग भी करना स्टार्ट कर दिया स्टोरी में, डांसिंग वीडियोज भी आने वाले हैं। सो काफी स्टेप्स मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोज आने वाले हैं। सो जो लोग घर में हैं, सो ऐसा ना सोचो कि वेस्ट में वीडियो नहीं डाली तो डालेगी नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो पढ़ने वाले, राउंड ट्वेल्व का वीडियो आने वाला है, सो उस पे वीडियो पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, घर में भी रह के काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको मिल सकता है। अगर टीवी टेलीविजन नहीं दे रहा है तो यूट्यूब आपको देगा, एंड वैष्णवी कंबाइंड के चैनल पे ऑफ कोर्स मिलेगा। सो मैं बस ये देख रही हूँ कि प्रकृति अपने आप को, खुद को कैसे इंप्रूव कर रही है, कैसे अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, मैनेज कर रही है। अब आप देखो, मैं समटाइम बैठती हूँ तो मैं आसमान में से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो और प्योर और क्लीन और ब्यूटीफुल हो रहा है। बर्ड्स जो मुझे देखने को नहीं मिलती थी, अब मुझे देखने को मिलती हैं, एंड मेरे घरों में आने लगी हैं काफी। मैं नोटिस करती हूँ गैया और काफी सारे गाय, कुत्ते, हर चीज। मतलब जरूरी नहीं है कि इंसान एक स्पीसीज है जो होमो सेपियंस को ही ये धरती पर रहने का डिजर्व है, बाकी लोगों का रहने का कोई राइट नहीं बनता, ऐसा नहीं है। देखो प्रकृति ने अपने आप को ऐसा करा है मजबूत कि आप सबको बैठाल दिया। ऐसा कोई नहीं है वर्ल्ड का इंसान जो रोड पे टहल रहा है, कोई भी नहीं है, सबके सब इस टाइम अपने अपने घरों में है। एंड जो लोगों को जानवरों को और जानवरों को लोगों ने परेशान किया था, छोटे छोटे बड़े से बड़े को, आज उन्हीं लोगों के दम पे आप लोग घर के अंदर हो। सो गाइस, ये चीज इस टाइम पे समझने और खुद को इम्प्रूव करने का वक्त है कि अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। और अब जब आना 21 दिन बाद, तो बस सब लोग, सब जानवरों की भी रिस्पेक्ट करना। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर से भेड़ चाल बन के आ जाओ, एकदम टूट पड़ो और वो सब जानवरों को फिर से अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना पड़े, कहीं और जाना पड़े। क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ, हर दिन बैठ के चाय पी रही होती हूँ या मैं ऐसे शाम को बैठती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर सब लोग निकल पड़े, ट्रैफिक हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो फिर से ये चिड़िया पॉल्यूशन के कारण भाग जाएंगी, और जो जानवर है, कुत्ते हैं, इनका फिर से एक्सीडेंट्स होने लगे, ये फिर से हमें रोडों के बीच में देखने को मिलेंगे मरे हुए, चिपके हुए। सो वो सब चीजें इस टाइम नहीं हो रही है, गाय। लेकिन हाँ, इन सबके बीच एक चीज है, फ्रीडम तो उन्हें मिल गई है जानवरों को, कि अब आप प्रकृति के साथ अपना टाइम स्पेंड करो जैसे आपको करना है। लेकिन इस टाइम पे प्लीज ह्यूमैनिटी दिखाओ, इंसानियत दिखाओ, और इस बीच जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपने राशन के लिए, उसी के साथ साथ आप उनको भी खाने का दो। आप अपने राशन के लिए घर से बाहर निकल रहे हो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन गाइज उनके लिए कोई भी नहीं है जो ग्रोसरी की शॉपिंग या राशन लेके आए। आपका बचा हुआ खाना ही बहुत है, आप जो एक्स्ट्रा खाना रह जाता है घर में, जो शाम को नहीं खाता है, बनाया जाता है, वो चीज शाम को आप डाल सकते हो, और जानवर पूरे दिन घूमते रहते हैं तो वो खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत बड़ा काम कर दो, जरा सा काम कर दो, पानी रख दो और खाने का सामान रख दो, दैट्स इट। ये मेरी तरफ से थोड़ी सी विनती है कि प्लीज आप लोग ये अपने अपने घरों में अप्लाई करो, इससे जानवरों की भी काफी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी पेट पूजा हो जाएगी। जैसे कि आप लोग तड़प रहे हो, वैसे ही वो लोग भी तड़प रहे हैं, उनके लिए कोई भी और नहीं है, एंड उसका इंतजाम प्रकृति साथ कर ले। सारे पत्ते हरे भरे हो जाए या कुछ भी, आई डोंट नो कब क्या हो जाए सृष्टि में, किसी को कुछ नहीं पता है। एंड ये वक्त कहते नहीं, हर इंसान का एक वक्त आता है, जानवरों को बहुत तड़पाया गया था, आज वो वक्त आया जब वो लोग फ्रीड, मैं देखती हूँ फ्रीली वो लोग मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दस दस बारह बारह गाय एक साथ रनिंग कर रही है रोड पे, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। रियली मेरे पास उस टाइम बोल रही थी कि मैं एक वीडियो डाल दूँ इंस्टाग्राम पे। एनीवे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जुलाई से पहले मेरे को
1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं. दैट्स इट गाइज, थैंक यू. अपनी अपने अपनी मदर नेचर को, अपनी मदर ब्यूटी को सल्यूट करो और रिस्पेक्ट करो और इज्जत करो उनके, और गंदगी मत फैलाओ. गंदगी बिल्कुल भी फैलाना अच्छा नहीं है. एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ. और दैट्स इट गाइज, 21 डेज का लॉकडाउन हुआ है, सो इस बीच घर से मत निकलो. अदरवाइज आप अपनी फैमिली और आप अपने देश के ही लोगों को झोंक सकते हो इस महामारी में. सो प्लीज ऐसा मत करो. दैट्स इट, लव यू, बाय.